मंदसौर में सावन के पहले सोमवार को भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर सहित जिले भर के शिवालयों में उत्साह छाया रहा। भक्तों ने गर्भगृह के भीतर जाकर दर्शन किए। पशुपतिनाथ मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का आगमन प्रारंभ हो गया। दोपहर में मंदिर के बाहर तक दर्शनार्थियों की कतारें लग गई। मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस जवान भी तैनात रहे। सावन माह के सोमवार पर शिव भक्तों में अधिक उत्साह रहा। सोमवार सुबह 5:30 बजे से ही पशुपतिनाथ मंदिर पर दर्शन के द्वार खुलते ही श्रद्धालु पहुंचना प्रारंभ हो गए। सुबह 5 बजे मंगला आरती एवं 5:30 बजे रुद्राभिषेक में भी भक्त पहुंचे। वहीं 7:30 बजे श्रृंगार आरती के बाद दिन भर पट खुले रहे। सुबह 11 बजे राजभोग आरती हुई। भक्तों की भीड़ होने के कारण कतार में लगकर दर्शन के लिए लोगों को इंतजार भी करना पड़ा। सुबह 11 बजे कतार मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। पशुपतिनाथ मंदिर पर सोमवार को अधिक भक्तों के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर पर कांवड़ यात्राएं भी आईं। भक्त आगे बढ़ते रहे और गर्भगृह से दर्शन कर निर्गम द्वार के बाहर निकलते रहे। इसके साथ ही खिलचीपुरा स्थित धोलागढ़ी महादेव मंदिर, घंटाघर के समीप भूतेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। भीड़ सब दिखी गई है। कामना अभिषेक में बैठकर आज मन एकदम से अत्यंत खुश हुआ कि भोलेनाथ की कृपा दृष्टि बनी रहे पूरे मंदसौर पर और भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करे और सभी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और मनोकामना अभिषेक में बैठे और अपनी इच्छाएं पूरी करें।